हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पीटीएफ आईएएस एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, 1 जनवरी 2024 को ये कैलेंडर आपके सामने जो है, ये देख सकते हैं, कैलेंडर जारी किया गया बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। और डेट की बात करें तो यहाँ पे 1-1-2024 हो जाता है। इसमें बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 की जो बात हो रही है ना, तो इसका डेट दे दिया गया है। आप सीरीज नंबर 2 देख सकते हैं, यहाँ पे दूसरा में दिया हुआ है टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम की बात है। तो यहाँ पे देखिएगा, डेट भी दिया गया है कि 24 अगस्त 2024 को 24 अगस्त को एवरी ईयर यानी कि प्रत्येक साल एग्ज़ाम लिया जाएगा। ये पूरा डेट फिक्स है, ठीक है। डेट जो है फिक्स है कि प्रत्येक साल 24 अगस्त को एग्ज़ाम लिया जाएगा। और ये भी डेट फिक्स है इसके रिजल्ट का कि 24 सितंबर को प्रत्येक ईयर में इसका रिजल्ट दे दिया जाएगा, यानी कि प्रत्येक साल ये एग्ज़ाम अब लिया जाएगा। और यहाँ पे देखिए, फाइनल रिजल्ट की अगर बात करें यहाँ पे, तो 24 सितंबर को फाइनल रिजल्ट दे रही है, ये भी डेट फिक्स है। और यहाँ पे कहता है कि 24 सितंबर जो है एवरी ईयर, यानी कि इसमें कोई डेट में बदलाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग तैयार हो जाइए, फिर से बहुत अच्छा वैकेंसी है, लगभग 40-50 हज़ार सीट आने की संभावना है। और बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करिए, है ना, बहुत अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि एग्ज़ाम का जो डेट है वो निर्धारित कर दिया गया है। इसमें ये नहीं कि आगे और पीछे किया जाएगा, एकदम फिक्स डेट है। आप देख सकते हैं 24 अगस्त को एग्ज़ाम लिया जाएगा और एक माह के बाद यानी कि 24 सितंबर को इसका रिजल्ट दे दिया जाएगा। और फाइनल रिजल्ट की अगर बात किया जाए तो 24 सितंबर को प्रत्येक साल आपको फाइनल रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। और देखिए बीपीएससी की बात करें तो यहाँ पे देखिएगा इंटीग्रेटेड सीसीई लिखा हुआ है, 23 सितंबर 2024 हो जाता है ना। और रिजल्ट देखिएगा 3 नवंबर में आपको देगा और 3-7 जनवरी में आपको मेंस हो जाता है ना। और रिजल्ट 31 जुलाई तक हो जाता है, तो इसका डेट वगैरह भी है। फाइनल की बात करें तो 31 अगस्त तक इसको फाइनल करा देगा। तो 3.0 है, इस पर सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है ना। इस पर बहुत ही ज़्यादा सीट है और इसकी तैयारी आपको एक सटीक रणनीति के साथ कर देनी चाहिए। इसकी शुरुआत, इसकी प्रारंभ जो है आप तुरंत ही स्टार्ट कर दीजिए। बहुत ही अच्छी खुशखबरी है आप सभी लोगों के लिए, है ना। नए साल में सरकार ने आपके लिए बहुत अच्छा यानी कि अवसर दिया है, ठीक है। तो चलिए आप लोग शुरुआत करिए। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।